वालेकुम जी वेलकम बैक होप्स आप सब ठीक होंगे अच्छा जी जैसे कि आपको पता है कि हमने पी के वन पेपर की तैयारी के लिए एक सीरीज स्टार्ट की भी है अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि पहले भी जीके के ऊपर कुछ वीडियोस बन चुकी हैं जिसमें कुछ को कवर किया गया है और उसके साथ साथ कुछ और भी टॉपिक्स हैं उनको कवर किया गया है जो कि आपके पी एम जीके और बाकी जो वन पेपर होता है होते हैं उनके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे अच्छा जी चले स्टार्ट करते हैं ओ आई क्या है जी बेसिकली Of आपको आइडिया हो ही गया होगा इस्लामिक से कि ये मुस्लिम उम्मा की प्रोटेक्शन सेफ्टी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसमें मुसलमानों के हकूक की हिफाजत की जाएगी ओवरऑल मुस्लिम ममालिक जो हैं उनके दरमियान कह लो कि कॉपरेशन के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया मजीद हम डिटेल देखते हैं अच्छा जी जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ओ इसका एब्रिविशन भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में तो आपने देखना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन जिसको हम ओ भी बोलते हैं अच्छा जी हम आ, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ओ जो है इसकी ओवरऑल वजह क्या थी मतलब इसका मकसद क्या था ओ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी बुनियाद किस बात पर रखी गई तो उसकी वजह ये थी कि जो, जो मस्जिद है म में अलगसा तो उस मस्जिद पर जो है इसराइल ने अटैक किया था ट्वेंटी फर्स्ट अगस्त नाइनटीन सिक्सटी नाइन को ये मैंने मैंशन किया है आपके सामने ट्वेंटी फर्स्ट अगस्त नाइनटीन सिक्सटी नाइन को इसराइल ने आ, आ, ये अलगसा जो मस्जिद है इस पे आ, जो है उन्होंने हमला किया था और उन्होंने मस्जिद का कुछ हिस्सा जो है वो जला दिया था अब इस हादसे के बाद आ, ये मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था कि वो अपने हकूक की हिफाजत किस तरह से करे तो इस परपजस के लिए एक्चुअली में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया अब किसने बनाया कौन इसकी हेड ऑफ स्टेट्स हैं ठीक है उनके बारे में हम देखेंगे फिर मजीद ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको किस तरह से फर्दर लेके चला गया और इसमें कौन कौन से मालिक जो है अः मतलब स्टार्ट में थे और बाद में फिर आ, मजीद, आ, जो इस्लामिक की कंट्रीज़ है, या हैं यानी ओवरऑल फिफ्टी सेवन में जो कि मुस्लिम ममालिक वो ऐड हुई अच्छा जी देखते हैं दर्गे दर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ज एन इंटर गवर्नमेंटल फाउंडेड इन 1969 ये कब बनी 1969 में बनी और इसमें कितने मेंबर स्टेट्स हैं जी 57 सेवन जो इस्लामिक ममालिक वो इसमें शामिल हैं। विद 48 एट बींग मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज इसमें 48 ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ जो मुस्लिम मेजोरिटी रखती हैं अच्छा जी जैसे मैंने आपको वजह बताई कि अलेक्सा मॉस जो जेरूसलम में है उस पर जब यहूदियों ने हमला किया था तो उसके बाद मुसलमानों के लिए यह सोचा गया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि मुस्लिम मुस्लिम उम्मा के डिफेंस के लिए काम करे मुस्लिम उम्मा में कॉपरेशन बढ़ाने के लिए उनके हकूक की हिफाजत करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए अच्छा जी कब बनी थी एक्चुअली में इसकी डेट जो है जो तो पेपर में पूछी भी जाती है तो वो है एग्जैक्ट सितंबर 25 1969 और स्टार्ट में इसमें ऑलमोस्ट 24 कंट्रीज शामिल थे और इसका हेड क्वार्टर पूछा जाता है तो वो है जिद्दा सऊदी अरेबिया इसके मेंबरशिप यानी मेंबर स्टेट्स कितनी है वो 57 है और इसका जैसे कि मैंने आपको पर्पस बताया कि मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करना मुस्लिम ممالک के درمیان कोऑपरेशन को करना Uh, उसके अलावा uh, बाकी जो मामला हैं मुस्लिम ममालिक में उन, उनको मजीद जो है बेहतर तरीके से फरोग देना अच्छा जी हम इसको देख लेते हैं टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड द वाइटल इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम इन द स्पिरिट ऑफ प्रोमोटिंग इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी एंड हॉर्मोनी एज वेल एज इंटरफेथ डायलॉग अमंग वेरियस पीपल ऑफ़ दर्ल्ड ठीक है अच्छा जी जब अच्छा मैंने आपको बताया कि इसमें पहले कुछ हेड थी कंट्रीज यानी उसमें सऊदी अरेबिया और मोरक्को था इनका बेसिकली के आइडिया था इन्होंने इनके जो इन दो ममालिक के जो फॉरन मिनिस्टर थे उनकी मीटिंग हुई वहां पे सेवन मेंबर मेंबर्स कमेटी जो थे वो एड थे उनमें कौन कौन से ममालिक जो शामिल किए गए सऊदी अरेबिया और मोरक्को के थ्रू ये ममालिक एक जगह पे इकट्ठे हुए इनकी कमेटी बनाई गई उसमें कौन कौन से शामिल थे वो था जी सऊदिया सऊदी अरेबिया ईरान पाकिस्तान सोमालिया मोरक्को नाइजेरिया और मलेशिया ठीक है और इसके बाद इन ममालिक के बाद फिर ट्वेंटी फोर मेंबर्स कंट्रीज एड हुई थी और उसके बाद देन एंड एट है वो फिफ्टी सेवन ओवरऑल टोटल मेंबर्स कंट्रीज में एड हैं अच्छा जी अब बात करें उसकी सेक्रेटरी जनरल की जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है तो वो है जी एम्बेसडर हैजन इब्राहिम ताहा ठीक है तो ये इसके सेक्रेटरी जनरल हैं इसके इनका आपको पता होना चाहिए और अब हम देखते हैं ओ के जो समिट्स हैं अब सबमिट्स तो ओवरऑल इसका फोर्टी एट जो है वो सेशन था फॉर मिनिस्टर्स का आपको आइडिया हो गई इस्लामाबाद में ये अभी ट्वेंटी ट्वेंटी टू में हुआ है इससे पहले भी इसके सेशन हो चुके हैं बट आपको जिनकी अपडेट होनी चाहिए अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो आपको इनका पता होना चाहिए अच्छा जी देख लेते हैं ओ आई सी फोटीन सबमिट जो जो कि टू थाउजेंड नाइनटीन में हुआ था तो वो कहाँ पे हुआ था जी आ, मकाम सऊदी अरेबिया में हुआ था और किस डेट को हुआ था थाउजेंड नाइनटीन देन हम देख लेते हैं ओ आई सी सेवनटीन हुआ था ट्वेंटी वन में यानी दो हजार इक्कीस में वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था और सन दो हजार इक्कीस में उन्नीस दिसंबर को हुआ था देन हम द, हम देखते हैं एट द एंड फोर्टी एट सेशन ऑफ काउंसिल ऑफ़ फॉर मिनिस्टर्स इन ममालिकिफ्टी सेवन जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके फॉरन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी एक सेशन हुआ था इस्लामाबाद में सन 2022 में और वो uh, बाईस और तेईस मार्च को हुआ था और उसका थीम क्या था जी बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर यूनिटी जस्टिस एंड डवेलपमेंट तो ये सेशन का ओवरऑल uh, थीम था आपको इसका नॉलेज uh, होना चाहिए इसकी डिटेल के लिए आप youtube पे जाके सर्च कर सकते हैं तो ये था जी आपके आज के लेक्चर के लिए मजीद मैं बता दूं आपको जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो एक तो ये कि ये ओ आई सी ऑर्गेनाइजेशन आपको आए, पता होना चाहिए कब बनी ठीक है ट्वेंटी फिफ्थ सितम्बर नाइनटीन सिक्सटी नाइन को बनी और अलक्सा uh, मॉस जो है जेरोसलम में उस पर uh, जब uh, इसराइल ने अटैक किया तो वो किस स्टेट को किया ये आपको पता होना चाहिए इसका हेड क्वार्टर पता होना चाहिए जद्दा सऊदी अरेबिया में इसके मेम्बर कंट्रीज कितने फिफ्टी सेवन है और इसका पर्पज क्या है इसके हेड कौन थे सऊदी अरेबिया और मोरको और सेक्रेटरी जनरल पता होना चाहिए एंड आपको सब होना चाहिए जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है अच्छा जी इसी तरह आप बाकी ऑर्गेनाइजेशन को हम मज़ीद अपने आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे और इससे पहले भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन पे लेक्चर हो चुके हैं तो उसके लिए आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप आ, कमेंट आ, जो है लाजमी कीजिएगा कमेंट सेक्शन में आप लाजमी मेन्शन कीजिएगा देन मैं उस टॉपिक पे आप लोग के लिए वीडियो बना दूँगी थैंक यू सो मच जी अल्लाह हाफिज